कितनी देर में बजेगा सर? 10 बजेगी। तो टन 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 ऐसे बजेगी, 10-12 बजेगी। 10-12 बजेगी है पप्पा जी? जैसे 12 बजेगी तो 12-12 बजेगी टन टन है। अच्छा तो फिर जैसे चप्पी खत्म होगी फिर दोबारा भर दो चप्पी। अच्छा दोस्तों ये जो घड़ी है लगभग भाइयों 150 साल पुरानी मान के चलो, कम से कम 150 साल पुरानी है जी। और ये बब्बा जी के टाइम की है, कभी पहली है जी। इन्होंने आज भी सुजोग रख रखा इस घड़ी को। ये पहले से ऐसी टंगरी यही टंगरी दोस्तों? अच्छा ये जब से बब्बा जी ने टांग रखी होगी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये घड़ी है भाई और सही टाइम हो रहा बिल्कुल। ये कभी इसमें टन टन बजती है जी, ठीक है ये देख लो जी। और इसमें पति कभी पहले डॉट कैलेंडर होगा जी? हाँ इसमें पहले वो थी गाटर सुखवे और कड़ियर। अच्छा कड़ियर तकते थे हैं? हाँ उसके बाद ही बदला, बाद ही गाटर सुखवे जी जी पास और कुछ नहीं बदला। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है हमारे हत्तम सिंह बब्बा जी की हवेली। और भाई और रागिनी किस्सों में बड़े फेमस रहे हैं, ठीक है जी, ये इनके वंशज है। नमस्कार किसान भाइयों। तो भाइयों आज हम पहुंचे हैं नंगली गांव में और यहाँ के हमारे बब्बा जी बड़े फेमस रहे कि नियादर सिंह जैसे पावा है बैल नहीं, हत्तम सिंह जैसी पावा है दहल नहीं। बात है जी जी जी। तो बब्बा जी थोड़ा सा एक बार परिचय दे दो अपना थोड़ा सा। आपका नाम बब्बा जी? मेरा नाम धर्मवीर है, मैं उनका पोता हूँ। अच्छा उनके पोते हो आप? हाँ। जी जी। और भैया आपका नाम? मैं उनका पड़ोसा हूँ अरुण कुमार मावी। जी जी भाई। अंकल जी आपका नाम? हम भी पड़ोसते हैं। अच्छा अभी पड़ोसते ही हो। और भैया आपका नाम? हम भी भैया पोते हैं बब्बा जी। जी जी। तो इनसे जुड़ी हुई कुछ बात बता रहे थे आप, इनके बारे में बताओ, इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा। जीवन में तो बहुत बड़ी बात है, कमिश्नर साहब के यार है। जी जी। और उनका काफी उनसे होता। जी जी। किसी गवर्नमेंट के टाइम में। जी जी। और वो बस फिर तो आप फेमस थे जब कमिश्नर के यार थे। जी जी। मतलब दहल कैसे जी? मतलब दहल का मतलब यूँ नहीं था, वो अपने बाहर सेवा करते थे बहुत लोगों की। अच्छा बहुत लोगों की सेवा कर रहे थे। जो भी यहाँ हवेली पे आ गया वो सबसे मिल रहे थे। अगर वो राज्य में भी नहीं खावाते तो गैर राज्य खवा के भेजते थे, दहल उनकी यूँ थी। जी जी। गलत बात को बर्दाश्त नहीं करे चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। जी जी। चाय का साथ देना था उनका काम। दोस्तों बहुत ही अपना वो रहा बब्बा जी का, एक टाइम पे बड़ा रुतबा रहा उस टाइम पे, ठीक है। और बाहर बाहर के लोग भी आया करते थे उनसे मिलने। ये बंदूक कोनी की जी? हाँ ये बंदूक कोनी की है, 1909 में खरीदती थी। देखो भाई ये बंदूक आज भी इन्होंने संभाल कर रखी जी। इस पे नाम लिख रहा जी, क्या लिख रहा जी? इस पे मेड इन इंग्लैंड लिख रहा होगा। देखो भाई मेड इन इंग्लैंड की है भाई, इस पे लिख रहा है थोड़े छोटे अक्षरों में लिख रहा जी, ठीक है। ये हमारे बब्बा जी की है जी, है बिल्कुल। तो देख सकते दोस्तों अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन है, तीस से लेकर मखदुमपुर वाली वाली। हाँ बड़ी सड़क उन्होंने बनवाई थी। जी जी। कमिश्नर साहब मखदुमपुर का मेला जो लग रहा है बाबा जी के नहीं लगवाया था? अच्छा बाबा जी ने लगवाया था। हाँ जी बाबा जी ने लगवाया। दोस्तों जी जी। तो दोस्तों 1929 में मखदुमपुर का जो मेला है उसको स्टार्ट किया था और तब से ये मेला लगता आ रहा जी, है जी जी। ये देख सकते दोस्तों। और उनके टाइम पर तो घोड़ी पोड़ी सब रही होगी, सब थी जी, बैल बैल सब, बैल भी थे घोड़ी भी थी सब। जी जी। अब तो समय बदल गया। जी जी दोस्तों देख सकते हैं। और समय की बात है भाइयों, उस टाइम पे बाहर के भी आदमी आते थे, दूर दूर तक का आदमी आता था मिलने। 29 से लेकर 32 तक चेयरमैन रहे, वाइस चेयरमैन। जी जी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के। जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं उस टाइम पे बढ़िया हिसाब था। और देख सकते हैं लगभग बात करें तो इनके कितने लड़के थे उस टाइम पे? एक ही लड़का था। एक ही लड़का था, उनका क्या नाम था भैया का? अच्छा उनका फोटो यहाँ भी लग रहा दिखाई। जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं और भी कोई है पुरानी चीज इनकी जैसे आज भी रख रखी हो जैसे? अच्छा ये बैठक कभी पहली है? जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं 250 साल प्लस हो चुके हैं इस बैठक को, ठीक है। बब्बा जी की हाइट का तो लंबे हट्टे कट्टे होंगे जी, लंबे ठाड़े थे जी। जी जी। तो दोस्तों इसीलिए बब्बा जी का नाम प्रसिद्ध है कि हत्तम सिंह जैसी पावे दहल नहीं, ठीक है। और मतलब दुनिया तक में फेमस है भाइयों, ठीक है। रागनी किस्तों में बब्बा जी की आज भी रागनी है दो चार। बार सेवा करते थे। पांचवी पीढ़ी जी? जी जी। तो दोस्तों ये पांचवी पीढ़ी है जी बब्बा जी हर की। और ये होका उन्हीं के टाइम का जी? उन्हीं के टाइम के है तो बाद का, पर है सब उन्हीं। ये भी पुराना दिखा है वैसे? हाँ पुराना ही है। ये देखो दोस्तों होका भी कभी पहले ही है, ठीक है। आज आपको बब्बा जी की जो फोटो है इनके बारे में जानकारी देंगे। अब ये महल है जी, ठीक है। उस टाइम पर तो रौनक रहती होगी जी। दोस्तों ये लिख रहा जी हत्तम भवन, ठीक है। यही हो गए सब फैसले हैं। जी जी। मुकदमे करे और 300। जी जी। ये प्रधान हत्तम सिंह। जी जी। और ये उनके लड़के रघुवर सिंह। जी जी। एक मुंडा से मैं एक टोपी में। ये है जी जो सामने बीच में, तो हत्तम सिंह हो गए जी हैं। और ये बब्बा जी ये लड़के हैं जी। एक मुंडा से मैं फोटो है, एक टोपी में। जी जी।
तो दोस्तों देख सकते हैं ये इनके लड़के हैं जी हत्तम सिंह जी के, और ये हमारे बब्बा जी का फोटो है, इस पर लिख भी रहा है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं इधर से, ये लिख रहा भाई बब्बा जी का फोटो है, कभी पहले फोटो है जी, ठीक है, ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों। और उस टाइम पर जी सब तरह के घोड़े, सब तरह के बैल सब रखे जी, बड़ा शौक रहा है उसी टाइम की, बब्बा जी के टाइम की हो। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने साल होगी पुरानी जी, साल आज भी चल रही दिखे जी, तो टाइम बैठे बताओ बिल्कुल। अच्छा इसमें टन टन ऐसी वजह क्या? तो दोस्तों इसमें घंटी भी बजती है आज भी, ये देख लो जी चब्बी भरी जा, दिखा सको थोड़ा सा तार कैसे उधर जाएगी ना, उतारने में। अच्छा टांग रखी होगी, चब्बी कैसे भरी जाती, मतलब इसमें सेल गिरा है क्या भैया इसमें? तुम चब्बी कहाँ से भरो इसमें? अच्छा ये देखो भाई चब्बी दिखाई कैसी इसकी, ये देखो भाई इस प्रकार की चब्बी इनमें डाल के और ऐंठते हैं ऐसे इधर से इधर, इधर से इधर। अच्छा इसमें सेल की जरूरत नहीं भैया है, 9 दिन चलती है चब्बी। टक 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 ऐसी आ रही, कितनी देर में बजेगा? 10 बजेगी, तो टन 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 ऐसे बजेगी, 10 बार बजेगी जी। हैं बब्बा जी जैसे 12 बजेगी तो 12 बार बजेगी, टन टन है बजेगी, आधे पे एक बार बजेगी। अच्छा तो फिर जैसे चब्बी खत्म होगी फिर दोबारा भर दो चब्बी। अच्छा दोस्तों ये जो घड़ी है लगभग भाईयो 150 साल पुरानी मान के चलो, कम से कम 150 साल पुरानी है जी, और ये बब्बा जी के टाइम की है, कदी पहली है जी, इन्होंने आज भी सुजोग रख रखा इस घड़ी को, ये पहले से ऐसी टंगरी यही टंगरी। अच्छा ये जब से बब्बा जी ने टांग रखी होगी, बब्बा जी ने लात कदी टांग होगी नहीं टांग। अच्छा अच्छा जगह नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये घड़ी है भाई, और सही टाइम हो रहा बिल्कुल, ये कदी इसमें टन टन बजती है जी, ठीक है ये देख लो जी। और इसमें पति कभी पहले डॉट कैलेंडर होगा जी, इसमें पहले वो थी कटर सुबह कड़ियर। अच्छा कड़ियर तकते थे हैं, हां उसके बाद ही बदला दिया कटर से जी जी, बस और कुछ नहीं बदला। तो दोस्तों देख सकते हैं टोटल कच्ची है जी, ये जैसे मैं देख रहा जी लकड़ी है क्या जी, लकड़ी है शाल की लकड़ी, बड़ी मजबूत लकड़ी जी, ये तो जी जी जो है यो लकड़ी बाहर से मंगाई होगी जी, नजीबाबाद से ही थी, नजीबाबाद से कारीगर आए थे जिन्होंने बनाई थी जी जी, से लकड़ी पार्ट 100 महीने वहीं से आया था सब, 100 महीने। तो किसान भाइयों देख सकते हैं सभी वहीं से आया था, और कारीगरी देखो भाइयों इस पे थमले से किया लगा जाए, पत्थर का थमला खड़ा कर दे और है ये लकड़ी भाइयों, ठीक है ये देख लो जी कितनी बढ़िया मजबूत लकड़ी है, कैसा आता जो नहीं देगी अभी, ये देख लो अभी भी कैसा आता जो खुनी है, ये हवेली उसी टाइम की है, ठीक है उस टाइम पे आले बनवाए जाते थे ऐसे सामान वगैरह रखने के लिए, ठीक है ये देखो दोस्तों ये आले आज भी है, और इस प्रकार की खुंटियां होती थी, ये लकड़ी की खुंटियां जैसे टांग रखी है सामान वगैरह टांगने के लिए, ठीक है ये क्या जी, ये जैसे अलमारी है खुल जाएगी दोस्तों देख सकते हैं, ये अलमारी है जी, ठीक है ये देख लो जी इधर, ये संदूक पहला जी, संदूक का है पहला क्या, सब उसी में रखे थे, संदूक भी उनके टाइम का, संदूक भी उनके टाइम का जी, इसी में कागज वगैरह रखे हैं, इसमें रखा करते थे कागज, सब कागज दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार का संदूक है, ये कभी पहला ही है बब्बा जी के टाइम का, और देखो कितना मजबूत है जी, कौन सी लकड़ी होगी जी, जी जी तो दोस्तों देख सकते हैं शीशो की लकड़ी है जी, कितना मजबूत है जी, और ये देखो भाइयों ये सब उन्हीं के टाइम की है, ये बेल्ट जी क्या ये उनकी है जी, ये बेल्ट इसकी है बंदूक। अच्छा ये देखो भाई ये बब्बा जी के टाइम की होगी अभी, हाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, और आज हम पहुंचे थे भाइयों हत्तम सिंह जी घर की हवेली पे, और ये देखो भाइयों ये है जी हवेली, बड़ी सुंदर है, और आज भी इन्होंने सजो कर रखा नहीं, हमने देखा जी बब्बा जी हवेली भी तुड़वा गए, मकान बनवा लिया है तुमने, क्यों तुड़वाई हवेली हमारी, अच्छा हवेली वहां थी सामने जहां पाइप पड़े जी जी, तो दोस्तों देख सकते हैं और भी बड़ी होगी, बस ये बड़ी है, इसमें पितर अंदर है जी जी, ये देख लो भाइयों इधर ये देखो इधर से देख सकते हैं इस प्रकार की हवेली थी भाइयों, ठीक है, और आज भी इन्होंने सजोग रख रखी, ये कमरे में आपको दिखा दूं, इस प्रकार के कमरे हुआ करते थे हवेलियों में, हर हवेली मैंने देखा बड़े छोटे छोटे कमरे रह गए थे भाइयों, देख लो कितने छोटे छोटे कमरे भाइयों, ठीक है ये देख लो जी, बड़ी ठंड सी लग रही जी, लाइट जला लो जी ठंड रहेगी। अच्छा ये देखो दोस्तों देखना हो लाइट जला दो, तो दोस्तों एक बार मैं आपको दिखा दूं, ये देखो जी ठीक है ये है जी कभी पहली हवेली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बब्बा जी के टाइम की है जी, और अपने टाइम पे बड़ा संघर्ष करा उन्होंने ऐसे ही नाम बनाया, ठीक है आसपास के गांव में बड़ा नाम रहा जी, ठीक है और आज भी है बब्बा जी का नाम, ठीक है आसपास के गांव में ना जिलों में भी नाम है आज भी, तो दोस्तों बहुत दूर दूर तक है, जहां तक मैं गया वहां तक है, राजस्थान हरियाणा तक है जी, है सब जगह नाम जी जी दोस्तों सभी जगह तक नाम है, ये लंबे कद के है जी, फोटो में तो ऐसा लग रहा है लंबे कद के रहे होंगे, 6 फुट के आसपास लंबे कद था उनका जी जी, दोस्तों बड़ी बड़ी आंख थी, ये
जी जी आज मैं पूछा भाई नंगले में और इन्होंने आज भी इस हवेली को तुड़वाया नहीं, सबसे बड़ी बात इन्होंने आज भी बाबा जी की याद में इसको सजो कर रखा और रखोगे आगे भी है, आगे भी रखोगे जी बिल्कुल जब तक मैं जिंदा हूँ। तो दोस्तों बब्बे जी कह रहे जब तक मैं जिंदा हूँ इस हवेली को तो कभी तुड़वाऊ नहीं, ठीक है इसे सजा के रखूंगा। देखो कर कितनी सुंदर हवेली जी, ये देखो भाई ये है हमारे बब्बे जी की हवेली, ठीक है। और ये बब्बे जी मैं सामने जो गेट देख रहा हूँ ये कितनी पहले ही है, उनके आगे का ही अभी, तो दोस्तों देख सकते हैं। तो बात करें तो उस टाइम पे कितने पशु होगी, कितनी भैंस रही बब्बे जी के टाइम पे? उस टाइम तो भैया बहुत थे, मेरी निगाह में चार घोड़ी थी, आठ सात भैंस रहती, आठ सात ही बैल थे जी जी, इतने आदमी रहते, पांच छह नौकर रहते। अच्छा पांच छह नौकर रही अपनी याद में। तो दोस्तों देख सकते हैं उस टाइम पे बड़े हिसाब था। और ये देखो भाई जो हतम है वो बब्बा जी ने लिखवाया था, तुमने बाद में लिखवाया? ना यू तो मैंने बाद में लिखवाया जी जी। ये देखो भाई डिजाइनिंग कितनी बढ़िया आज, ये देखो कदा सफेद है पहले रंग दिखा जी, देखो भाई और इसमें रेड रेड जो कलर हुआ है कभी पहले ही है, देखो भाई ठीक है। ये पहले तो ये डॉट का लैंडर होगा ना, पहले डॉट के लैंडर देखे मैंने हवेली, ये पहले से ऐसी है? ऐसी था पहले से, पहले से भी ऐसी थे सब दरवाजे डॉट जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं ना किसी उसके हैं, ये कच्चे हैं सब जी जी, कच्ची है ये हवेली भी। हाँ जी मिट्टी की जी जी, मिट्टी की बनी हुई सारी, इसमें मिट्टी की बनी हुई सॉरी सारी की सारी मिट्टी की। तो दोस्तों मिट्टी की बनी हुई है सारी की सारी, सारी की सारी मिट्टी। ये देखो भाई मिट्टी की है सारी, ये जो हवेली है मैं आपको दिखाई इसका पक्का, ठीक है। और जैसे भैंस वगैरह तो उधर ही बनती होगी, घोड़ी घोड़े भी भैंस भी सब उधर ही बनता करते हैं, उधर ही रहते हैं। अच्छा यहाँ बब्बा जी बैठे करते हैं मोटे मोटे डाल के जैसे यही है। तो दोस्तों देख सकते हैं उस टाइम पे बढ़िया हिसाब था बब्बा जी का, और भाइयों बड़ी मेहनत करी है उन्होंने। और भाइयों आज भी बब्बा जी का जिलों में नाम है, और रागनी किस्सों में तो भाइयों आता ही है बब्बा जी का नाम। और इन्होंने एक जो बंदूक है वो दिखाई है बब्बा जी के टाइम की है, ठीक है। इसको आज भी सजो कर रखा, इन फ्यूचर भी रखेंगे इसको सजो के, ठीक है। तो दोस्तों हम तो ये कहते हैं कि जो हमारे भाई है जो किसान भाई है, भाई अपने जो बड़े बुढ़ों की जो धरोहर है उसको तुड़वा है ना, और उसको सजो के रखे, ठीक है। इन जैसे उन्होंने रखी अपने बब्बा जी की, आज भी रखी है, नहीं तो हमने तो ऐसे देखे बब्बा जी हवेली मकान। हाँ जी। तो दोस्तों आज मैं पहुंचा था भाइयों नंगली में, और मैंने आपको दिखाई ये हवेली, और भाइयों ये हमारे बब्बा जी की हवेली थी, ठीक है भाई। दोस्तों देख लो जी ये है जी परिवार, और आज भी इन्होंने जो हवेली है इसको सजो के रखा है बब्बा जी की याद में, और आज हम आए थे ये देख लो जी, ठीक है। ये है जी परिवार इनका, हतम बब्बा जी का, ठीक है। और बब्बा जी के बंदूक आज भी संभाल के रखा।